Today we will start new chapter, and that is simple equation. In the previous chapter I have discussed the definition of equation. What is an equation? An equation is an expression which combined with basic law of addition, subtraction, multiplication and division, including sign of equality. Equation क्या होती है? Equation एक expression होता है जिसमें basic law of addition, subtraction, multiplication and division, including the sign of equality. Equality का sign होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कोई एक expression क्या बनेगा? Equation, ठीक है? तो equality, the sign of equality is very important in equation. Example तरीके 2x square plus y equal to 15. ये equation क्यों equal to है, तो ये क्या हो गई? Equation. अगर इतना होता तो ये expression होता, ठीक है? अब क्या हो गई? Equation. दूसरी equation क्या? X plus y equal to 10. ठीक है, अब इतना होता तो ये क्या बन जाता? एक्सप्रेशन. वैसे थर्ड इक्वेशन इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 7. ये भी इक्वेशन है. 10x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 18. ये भी क्या एक इक्वेशन है. तो पहली इक्वेशन किस टाइप की है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर कितनी है? 2. तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी दो वेरिएबल, लेकिन हाइस्ट पावर की, जो हाइस्ट पावर होता है उससे हम इक्वेशन का लगाते हैं. तो हाइस्ट पावर कितनी? 2. तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक. यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स है वाई, लेकिन एक्स की भी वन है, वाई की वन, तो कौन सी इक्वेशन हो गई? लीनियर. जिसकी पावर होती है कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर. यहाँ पे हाइस्ट पावर कितनी? 3. वेरिएबल ए की एक्स, तो इट इज़ अ क्यूबिक. 3 पावर वाली कौन सी इक्वेशन होती है? क्यूबिक. यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है एक्स. यहाँ पे हाइस्ट पावर कितनी वेरिएबल की? 4. तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? बायक्वाड्रेटिक. ये सब आपको मैंने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता रखा है. एक एग्जांपल लेते हैं 10x वाली क्वेश्चन का. था 10x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 18. वही जो हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था. बस इक्वेशन में ये होता है LHS और RHS होता है, क्योंकि इक्वल टू को साइन लग जाता है. तो इक्वल टू के लेफ्ट वाली साइड होती है LHS और इधर वाली साइड होती है RHS. ठीक है, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल? इसमें एक ही वेरिएबल अल्फा दिख रहा है एक्स, तो वेरिएबल एक ही है. अगर एक इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कितने वेरिएबल होते हैं? एक्स और वाई. लेकिन ये लीनियर, इसमें दो वेरिएबल हैं तो एक्स वाई होते वेरिएबल. ये इसमें कुल एक ही वेरिएबल एक्स, तो उसमें वेरिएबल एक ही एक्स है. कॉन्स्टेंट 18. डिग्री हाइस्ट नंबर कौन सा है वेरिएबल का पावर में? 4. डिग्री क्या होगी? 4. इक्वेशन का टाइप, टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बायक्वाड्रेटिक. बिकॉज हाइस्ट पावर 4 है, तो 4 वाली इक्वेशन कौन सी होती है? बायक्वाड्रेटिक. टर्म 1, 2, 3, 4, मोर देन 3 टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल. और वही कॉफिशेंट, एक्स फोर का कॉफिशेंट क्या होगा? 10. कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5. कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 और कॉफिशेंट ऑफ एक्स 3. ठीक है, ये बेसिक डिटेल जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था हमने.